हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू ऑन शुगर केन क्रॉप और आज हम इसके 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये इसका पहला पार्ट है और रिमेनिंग जो 25 फाइव क्वेश्चन होंगे वो उसके दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वीडियो को ध्यान से देखना जितने भी क्वेश्चन हैं ये अधिकतर एग्जाम से पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज इस लोकेटेड एट जो सुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ये कहा लोकेटेड है लखनऊ हैदराबाद नागपुर एंड क्वटर इसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में सो लेट्स बिगन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑरिजिन ऑफ सैकेरम ऑफिसनेरम इज जो सेकेरम ऑफिस इनेरम है जिसको हम नोबेल केन भी कहते हैं इसका ऑरिजिन प्लेस क्या है ऑप्शन आर इंडिया चाइना ब्राजील एंड न्यू गिनी राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज न्यू गिनी सो न्यू गिनी इज द ओरिजिन ऑफ सेकेरम ऑफिसनेरम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ सुगरकेन प्लांट इज जो शुगरकेन प्लांट है इसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है राइट आंसर इज ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी टू डिग्री सो ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्लांट मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूट्स आर टेम्परेरी इन नेचर शुगर केन केस में जो उसकी जड़ है वो कौन सी है जो टेम्परेरी होती हैं ऑप्शन आर सेट रूट सूट रूट फाइबरस रूट एंड नन राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सेट्स रूट सो सेट रूट्स आर टेम्परेरी इन नेचर और ये स्टार्टिंग के जर्मनेशन वाले टाइम में रहते हैं उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाते हैं और जो ये सूट रूट हैं ये दे आर परमानेंट इन नेचर एंड दे इमर्ज फ्रॉम लोअर नोट्स फोर्थ क्वेश्चन इज इन्फ्लोरसेंस ऑफ सुगर केन इज नोन एस सुगर केन के इनफ्लोरसेंस को क्या कहते हैं ऑप्शन इज ऑप्शन डी एरोगर केन क्रॉप फिफ्थ क्वेश्चन इज एरो स्टार्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ प्लांटिंग एरोइंग यानी कि जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट इमर्ज होने लग जाता है तो ये कितने दिनों बाद आता है तो यहां बहुत सारे ऑप्शन दे रखें इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी डेज आफ्टर प्लांटिंग सो एरोइंग रोइंग आफ्टर थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी डेज आफ्टर प्लांटिंग सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज सुगर केन विजार्ड एंड दे हैव डन रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं जिनको सुगर केन विजार्ड भी कहा जाता है इन्होंने सुगर केन के केस में उसकी ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है और इनका योगदान बहुत ज़्यादा है शुगर केन के ब्रीडिंग में तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे सी डी पटेल सीडी मई एस वेंकट रमन एंड डी के सी मेहता राइट आंसर इज ऑप्शन सी टी एस वेंकट रमन इज नोन एज सुगर केन विजार्ड एंड दे हैव डन रिसर्च ऑन ऑफ केन क्वेश्चन इज प्लांट रिक्वायर्स जो हैन का प्लांट है उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन दे रखे हैं यहां इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फेवरेबल है इसके लिए पहला ऑप्शन है लो सनसाइन सनसाइनार्स ऑप्शन बी हाई सनसाइन आर्स ऑप्शन सी कोल्ड टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी ऑफ नी अबव राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाई सनसाइन आर्ट्स एट्थ क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ ऑटम प्लांटिंग ऑफ सुगर केन क्रॉप इज सुगर केन क्रॉप के केस में ऑटम प्लांटिंग की टाइमिंग क्या होती है जब हम ऑटम प्लांटिंग करते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज अक्टूबर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें देखो जो एक साली प्लांटिंग होती है और अट साली प्लांटिंग इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड में एक साली प्लांटिंग की जो स्वइंग टाइम होता है वो होता है जनवरी टू फेबर एंड इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया और अठसाली प्लांटिंग के केस में इसकी स्वइंग करी जाती है जुलाई के मंथ में एंड इट इज मोस्टली अडोप्टेड इन साउथ इंडिया सो लेट्स नो मोर अबाउट दी अटसाली प्लांटिंग एंड एक साली प्लांटिंग ऑफ शुगर केन एक साली प्लांटिंग के केस में स्पेसिंग होती है 60 टू 90 सेंटीमीटर अटसाली के केस में वन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्पेसिंग रखी जाती है और ड्यूरेशन की बात करें ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछा जाता है तीन टाइप की क्रॉप्स होती हैं कम साली एक साली और अठ साली कम साली तो नाम से पता चल रहा है कि एक साल से कम मीन्स इसका ड्यूरेशन होता है लेस देन टेन मंथ्स एक साली क्रॉप यानी कि एक साल की क्रॉप है मीन्स ट्वेल्व मंथ्स अठ साली यानी कि एक साल प्लस आधा साल यानी कि वन ईयर प्लस सिक्स मंथ्स कितने हो गए एटीन मंथ्स देखो बार मंथ हो गए बार में सिक्स प्लस कर दीजिए एटीन मंथ सो एटीन मंथ की क्रॉप को हम कहते हैं अटसारी क्रॉप नाइन्थ क्वेश्चन इज प्रोडक्टिविटी ऑफ सुगर केन क्रॉप इज हाइस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो शुगर केन है इसकी प्रोडक्टिविटी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र है तमिलनाडु है यूपी है या पंजाब है राइट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु सो इन तमिलनाडु स्टेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इज हाइएस्ट अमंग द अदर स्टेट्स Whereas in UP the area and production of sugarcane is highest. देखो यहाँ area और uh, production के बारे में बात करें तो UP में सबसे ज्यादा और productivity की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा productivity है sugarcane की टेंथ question is which state has highest number of sugar mills? जो sugar mills हैं सबसे ज्यादा कौन से states में है Right answer is option C Maharashtra. So in state of Maharashtra there are highest number of sugar mills. Moving to next question. कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ सुगरकेन इस सुगर केन की कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन सी है ऑप्शन आर सेकेरम स्पॉन्टेनियम रोबस्टम एंड ऑफिसनेरम राइट आंसर इज सेकेरम ऑफिसनेरम और जो ये ऊपर के दो ऑप्शन हैं स्पॉन्टेनियम एंड रोबस्टम ये हैं वाइल्ड स्पीसीज ऑफ सुगर केन अब देख लेते हैं कि सुगर केन के के केस में कौन कौन सी स्पीसीज मेन है देखो कल्टिवेटेड स्पीसीज मेनली थ्री है और वाइल्ड स्पीसीज दो हैं और जो ये कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं इसमें से ऑफिसनेरम है बारबेरी है और सेकेरम साइनेंस है सेकेरम ऑफिसम इज ऑल्सो नोन एज नोवल केन और ट्रॉपिकल के इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जूसी केन होता है हाई सुगर एंड लो फाइबर कंटेंट देखो जो लो फाइबर कंटेंट होता है वो सिर्फ सेकेरम ऑफिसनेरम में होता है अदर स्पीसीज को देखें तो सेकेरम बारबरी विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन केन इसमें टू एन इज इक्वल टू एटी टू टू वन ट्वेंटी फोर इसमें मीडियम सुक्रोज और हाई फाइबर कंटेंट है देखो ऊपर लो फाइबर कंटेंट था यहाँ हाई फाइबर कंटेंट है अब है सेकेरम साइनेंस विच इज ऑल्सो नोन एज चाइनीज केन इसमें क्रोमोजोम नंबर होता है टू एन इज टू वन एट्टीन एंड करेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज दिस दरम बारवेरी वाइल्ड स्पीसीज की बात करें स्पॉन्टेनियम और रोबस्टम एंड इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियम वेरी लो शुगर एंड वेरी हाई फाइबर कंटेंट और रोबस्टम के केस में वेरी लो शुगर तो यहाँ पर जो यूनिक है वो है सेकेरम ऑफिसनरम के केस में जहां लो फाइबर कंटेंट है और हाई सुगर कंटेंट और इसको नोबल केन भी कहा जाता है और इसका क्रोमोजोम नंबर है टू एन इजल टू एटीन ट्वेल्थ क्वेश्चन इज वाइल्ड स्पीसीज ऑफ सुगर केन इज पिछले स्लाइड में देखा कि वाइल्ड स्पीसीज कौन कौन सी थी एक थी सेकेरम रोबस्टम और सेकेरम स्पॉन्टेनियम तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सेकेरम रोबस्टम क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज सीड रेट फॉर टू बडेट सेट्स इज डैश सेट्स पर हेक्टेयर यहाँ पर बात क्या हो रही है टू बजेट सेट्स देखो अलग अलग सीड रेट होती है वन बजेट सेट्स की अलग होती है टू बजेट की अलग थ्री बजेट की अलग और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू बजेट सेट्स की जो सीड रेट होती है वो होती है फिफ्टी थाउजेंड सेट्स पर हेक्टेयर अब देखते हैं कि थ्री बजेट में कितनी होती है टू बजेट में कितनी होती है और सिंगल बजेट में कितनी होती है जितने नंबर ऑफ बजेट ज़्यादा होंगे उतना ही कम उसका सीड रेट होगा अब जैसे थ्री बजेट सीड अगर हम ले रहे हैं तो ट होगा थर्टी थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड सेट पर हेक्टेयर और दूसरे केस में जो टू बजेट सेट्स हैं इसके केस में फोर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड और सिंगल सेट्स पर हेक्टेयर और आपको पता होगा कि सुगर किन के केस में जो सेट्स होते हैं उसको एज ए प्लांटिंग मटेरियल यूज किया जाता है तो हम जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ सेट्स हम निकालते हैं फोर्टीन क्वेश्चन इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सुगरकिन क्रॉप इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की शुगरकेन क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1500 टू 2500 मिलीमीटर mm. ये है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगरकेन अदर ऑप्शंस को देखें जो ऑप्शन ए है 450 टू 650 एमएम दिस इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट सोरघम एंड टोबैको और 500 टू 750 एमएम दिस इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ महेज ग्राउंड पोटैटो एंड सोयाबीन और 900 टू 2500 थाउजेंड मिलीमीटर इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस देखो राइस और शुगरकेन की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इसको आपको याद रखने की जरूरत है राइस का है नाइन हंड्रेड टू टू और शुगरकेन के केस में 1500 टू 2500 फाइव हंड्रेड मिलीमीटर फिफ्टीन क्वेश्चन इज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एट राइपनिंग स्टेज इज आपको बताना है डिग्री सेल्सियस के स्केल में राइपनिंग क्या है जब मेच्योरिटी का टाइम आता है जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उस टाइम पे उससे पहले जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड देखो स्टार्टिंग में जब वेजिटेटिव फेज होता है उस टाइम पे तो हाई की रिक्वायरमेंट होती है बट एट राइपनिंग स्टेज वहां पर लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर डेस्ट कंडीशन सु क्रोज गैस कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बिकम पुअर तो यहां पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर जो शुगर केन का सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में देखो ग्लूकोज हमारा प्रोडक्ट नहीं है हमारा प्रोडक्ट क्या है सुक्रोज हमको क्या लेना है सुक्रोज लेना है पर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है, है ग्लूकोज और जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर हो जाती है तो वो कंडीशन है हाई टेम्परेचर कंडीशन हाई टेम्परेचर कंडीशन में सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में अगला क्वेश्चन है द प्लांटिंग मटेरियल यूज फॉर सोइंग इन सुगर केन क्रॉप इज नोन एज देखो पहले हमने सीडेड देखा था वहां हमने क्या देखा था सेट्स सेट्स तो हो ही इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं सीड पीस सो द प्लांटिंग मटेरियल फॉर सोइंग ऑफ सुगर केन इज सीड पीस और सेट्स तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी बोर्ड बी एंड सी एटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया हैज हाई यील्ड ऑफ सुगर केन इंडिया का कौन सा पार्ट है जहां शुगर केन की हाई यील्ड होती है हमने स्टार्टिंग में देखा था कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इज वेरी हाई और प्रोडक्टिविटी ये दोनों सेम ही होती हैं तो यहां पर इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी सदर्न इंडिया सो इन सदर्न इंडिया देयर इज हाई येल्ड ऑफ सुगर केन अगला क्वेश्चन इन शुगर केन फर्टिलाइजर इज अप्लाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड हमको मोस्ट कॉमन मैथड बतानी है जो अडॉप्ट की जाती है इन केस ऑफ सुगर केन तो ब्लैंकेट एप्लीकेशन दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मैथड इन केस ऑफ सुगर केन बीसवा क्वेश्चन है टॉप वन थर्ड पोर्शन ऑफ केन इज यूज फॉर सोइंग परपज इज ड्यू टू आपको पता होगा कि जो सुगर केन का स्टॉक है इसका अपर वन थर्ड पार्ट हम लेते हैं फॉर सोइंग परपज वो चाहे वन बडेड है टू बडेड है या थ्री बडेड है उसको हम प्लांटिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं क्यों करते हैं उसका रीजन क्या है बिकॉज इट हैज हाइस ग्लूकोज कंटेंट इस पार्ट में ग्लूकोज कंटेंट वेरी हाई होता है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर सोइंग पर्पज इक्कीसवा क्वेश्चन है रेटून क्रॉप रिक्वायर्स डेस परसेंटेज मोर नाइट्रोजन इन कंपेयर टू प्लांटेड क्रॉप रेटून प्लांटिंग आपको पता होगी जो शुगर केन है उससे हम जब फर्स्ट हार्वेस्ट ले लेते हैं उसके बाद जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं फिर वो स्प्राउट होकर उससे नए स्टॉक्स निकलने शुरू हो जाते हैं और इस क्रॉप को हम बोलते हैं रेटून क्रॉप तो रेटून क्रॉप के केस में कितने परसेंट नाइट्रोजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल प्लांटिंग ऑफ शुगर केन से तो 20% परसेंट ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ रेटोन क्रॉप अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ सुगर केन इंडस्ट्री इज यूज फॉर फ्यूल एंड पेपर मेकिंग बात क्या हो रही है यहां फ्यूल और पेपर मेकिंग की तो कौन सा बाय प्रोडक्ट यूज किया जाता है बेगैस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर answer whereas molasses is used यूज फॉर production प्रोडक्शन एंड mud is used फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक soil अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन इन सुगरकिन। सुगरकिन शुगर केस में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है फॉर द इरीगेशन राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर्मेटिव स्टेज क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकते हैं वहां नाम नहीं दिया होगा आपको डेज आफ्टर प्लांट अब जैसे ऑप्शन में खाली आपको यह दे देंगे कि कितने दिन है तो वहां पर आपको क्या टिक करना होगा सिक्सटी टू वन थर्टी डेज आफ्टर प्लांटिंग और अगर सीधे दिया है तब तो ठीक है फॉर्मेटिव स्टेज विल बी द राइट आंसर अगला क्वेश्चन पहला ब्लाइट ऑफ सुगर केन इज कॉज ड्यू टू यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और यह किस वजह से होता है मैग्नीज डिफिशियंसी सो पहला ब्लाइट ऑफ सुगर केन इज कॉज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी वेयर एज मैग्नीस टॉक्सिसिटी कॉस्ड क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इन केस ऑफ कॉटन क्रॉप तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है देखो डिफिशियंसी तो पहला ब्लाइट हो रही है सुगर केन में और टॉक्सिसिटी की वजह से क्रिंकल लीफ हो रही है कॉटन के केस में चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ सुगर केन इज नोन एज वंडर केन इन इंडिया यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन बी सी ओ सी सिक्स सेवन वन या आपने पढ़ा भी होगा इट इज नोन एज वंडर केन यहां पर एक और ऑप्शन है आप देखेंगे ऑप्शन सी सी ओ फोर वन नाइन इसको भी कहा जाता है वंडर केन तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा बोथ बी एंड सी तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में तो आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर